आईपीएल 2023 का पांचवा मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच, जिसे जीत लिया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 8 विकेट से। आईपीएल 2023 के पांचवे मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवरों में 171 रन बना सकी। मुंबई की तरफ से सबसे ज़्यादा रन तिलक वर्मा ने 46 गेंदों में 84 रन बनाए। इन्होंने इस पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 1 विकेट चटकाए। टोपली, आकाशदीप, हर्षल पटेल ने 1-1 विकेट चटकाया और करण शर्मा ने 2 विकेट और ब्रेसवेल ने 1 विकेट चटकाया। 172 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 16.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। विराट कोहली ने 49 गेंदों में शानदार 82 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फाफ डुप्लेसी ने 43 बॉल में 73 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। बात करें अगर मुंबई के गेंदबाजी की तो अरशद खान और कैमरन ग्रीन ने 1-1 विकेट चटकाया और मुंबई के सारे गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए।